नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए माने होंगे 30 रंग के दस्तावेज। हिमाचल प्रदेश में बीमा पॉलिसी या किसान बुक दिखाकर भी वाहन पंजीकृत करवाए जा सकेंगे और लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे। इन कार्यों के लिए अब 30 रंग के दस्तावेज माने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने एक दर्जन और दस्तावेजों को इस काम के लिए तय किया है। इस संबंध में सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे गए हैं। इसके लिए पार्षद की ओर से जारी प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, सेल एग्रीमेंट, विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। आउटसोर्स पर कर्मियों को भर्ती करने वाली कंपनियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने सरकारी विभागों, निगम और बोर्डों में आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये बात सामने आई थी। फर्जी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को आउटसोर्स पर भर्ती कर वर्षों से सरकार से करोड़ों रुपए का कमीशन वसूल कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार जब आउटसोर्स कर्मचारियों नीति बनाने लगी थी तो फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी। हजारों विद्यार्थियों को राहत, पीजी के लिए एचपीयू शिमला ही करवाएगा संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्स में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। एचपीयू ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 2023-24 के लिए पीजी कोर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने के आग्रह को मान लिया है। दोनों विश्वविद्यालयों में इसको लेकर बनी सहमति से मंडी वीवी में संचालित किए जा रहे 22 पीजी डिग्री कोर्स के लिए एचपीयू ही संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं करवाएगा। प्रवेश परीक्षाएं 29 मई से 15 जून तक होगी। अब एचपीयू और मंडी देवी की प्रवेश परीक्षा की फीस भी चुकानी नहीं पड़ेगी। एडवांस सब एयर सिस्टम से धर्मशाला में बारिश से नहीं धुलेंगे अब मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अब मैचों के दौरान होने वाली बारिश ज्यादा देर तक बाधा नहीं बन पाएगी। मैच में बारिश होने के बाद मैदान को करीब 20 मिनट सुखाकर पूरी तरह से खेलने के लिए फिर तैयार कर लिया जाएगा। मैदान की नई आउटफील्ड के साथ लगाया गया एडवांस सब एयर सिस्टम एचपीसीए के पास एक नई सुविधा हो गया है। 15,000 बागवान परिवारों का भविष्य संवारेगी शिवा परियोजना। 15 दिनों में तैयार होगी कार्य योजना। हिमाचल में शिवा परियोजना से बागवानी का भविष्य संवरेगा। प्रदेश के 15,000 बागवान परिवार सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। बुधवार को सचिवालय में एचपी शिवा और महक योजना के समीक्षा के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये बात कही। उन्होंने महक योजना के तहत 15 दिन के भीतर कार्य योजना तैयार करने वाले पौधशालाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा योजना के तहत पहले चरण में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फलों के लगभग 65 लाख उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण प्रस्तावित है। दूसरे चरण में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लघु प्रसंस्करण इकाइयों का बढ़ावा देने के बाद भी उनको निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महक योजना के तहत विभिन्न जिलों के 1,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बैठक में एचपी शिवा परियोजना के परियोजना निदेशक देवेंद्र ठाकुर तथा बागवानी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल सीएम सुक्खू बोले, हेल्पलाइन 1100 में जुड़ेंगी व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा। राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इससे नागरिकों को उनकी शिकायतों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने, कॉल बैक अनुरोध करने और नई शिकायतें दर्ज करने की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करेगा। हमीरपुर शहर में 36 करोड़ की लागत से होगा बिजली व्यवस्था का कायाकल्प, जाने क्या है सुक्खू सरकार का प्लान। हमीरपुर शहर में 36 करोड़ की लागत से विद्युत व्यवस्था के कायाकल्प का लाभ होगा। बिजली बोर्ड हमीरपुर ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से इस कार्य को किया जाएगा। बिजली बोर्ड की इस योजना से हमीरपुर शहर में 24 घंटे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित होगी और बिजली कट की समस्या से भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत डीपीआर तैयार कर ली गई है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच डांक कवाली में 33 केवी सब स्टेशन निर्मित किया जाएगा। बिजली बोर्ड
रिपोर्ट की माने तो आगामी 30 वर्षों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो गई है। इसके अलावा हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में 2 नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 33 केवी का सबस्टेशन पंचवटी के समीप निर्मित किया जाएगा। नौकर की करतूत, पैसों के लेन देन को लेकर दुकान में लगाई आग। पतली कुहल फिश फार्म के सामने ग्राम पंचायत हलान 2 की एक दुकान में मंगलवार रात को आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक डुगलू राम को उसके बेटे ने दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब डुगलू राम अपनी दुकान के पास जा रहा था तो उसे फ्लाईओवर के पास मेरठ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति मिला। ये व्यक्ति डुगलू राम की दुकान में काम करता था और दुकान की चाबी भी इसी के पास थी। टौणी देवी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के भरे जाएंगे पद। साक्षात्कार 30 मई को। बाल विकास परियोजना टौणी देवी के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों के लिए 30 मई को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय टौणी देवी में साक्षात्कार लिए जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुकन्या कुमारी ने बताया कि ग्राम पंचायत दीमी का आंगनबाड़ी केंद्र दीमी 1 और ग्राम पंचायत बजड़ोह के आंगनबाड़ी केंद्र बड़ोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 1-1 पद भरा जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत बारी के आंगनबाड़ी केंद्र जनीकर, ग्राम पंचायत कालियाम के आंगनबाड़ी केंद्र गहरा, ग्राम पंचायत बफरी के आंगनबाड़ी केंद्र थाना हारा, ग्राम पंचायत भरनांग के आंगनबाड़ी केंद्र भरनांग व ब्राह्मणी, ग्राम पंचायत पोहंज के आंगनबाड़ी केंद्र पोहंज, ग्राम पंचायत समीरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र मतलाना और ग्राम पंचायत स्वाहल के आंगनबाड़ी केंद्र स्वाहल में आंगनबाड़ी सहायिका का 1-1 पद भरा जाएगा।